खुद को तो बहुत पहले ही खो दिया था मैंने, खुद को तो बहुत पहले ही खो दिया था मैंने, अब खुद ही को अपना लिया है। खुद को तो बहुत पहले ही खो दिया था मैंने, अब खुद ही को अपना लिया है। तन्हाई के बहाने नहीं बनाता मैं अब, इन महफिलों ने मुझे अपना बना लिया है। आगे पेश करूँगा कि सूखे लबों से अल्फाज बयां करता हूँ, सूखे लबों से अल्फाज बयां करता हूँ, नम आँखों से जज्बात बयां करता हूँ, सूखे लबों से अल्फाज बयां करता हूँ, नम आँखों से जज्बात बयां करता हूँ, अब खुद में ही हो गया हूँ मस्त इतना, खुद में ही हो गया हूँ मस्त इतना कि नज़मों से अपनी पूरी दास्तां बयां करता हूँ, अपनी पूरी दास्तां बयां करता हूँ। अगला पेश करने से पहले कुछ वर्ड्स के मतलब बता देता हूँ। कैफियत का मतलब होता है कंडीशन, फिर तोहमत का मतलब होता है टॉर्मेंट, तोहमत का मतलब होता है एक्यूजेशन या इल्ज़ाम लगाना, और एक और वर्ड आएगा अजियत, उसका मतलब होता है टॉर्मेंट या पीड़ा। तो मेरी कैफियत का अंदाज़ा क्या लगाएगी वो, मेरी कैफियत का अंदाज़ा क्या लगाएगी वो, इश्क के इस गुनाह की तोहमत तो मेरे सर है, इश्क के इस गुनाह की तोहमत तो मेरे सर है, सह तो मैं रहा हूँ मोहब्बत की अजियत, सह तो मैं रहा हूँ मोहब्बत की अजियत, वो सब कुछ देखकर भी बेखबर है, वो सब कुछ देखकर भी बेखबर है। अब ये मेरा पहला ओपन माइक है, तो वो अभी आजकल क्या चल रहा था कि माफ़ करना गुस्से में इधर उधर हो जाता हूँ, तो नर्वसनेस में माफ़ करिएगा अगर नर्वसनेस में अगर थोड़ा इधर उधर हो जाऊँ तो। अब अपने पीस पर आता हूँ जो डेडिकेटेड है मेरी लाइफ के एक ऐसे किरदार पर, जैसे मैम ने अभी दोस्तों के बारे में बात की, तो जो डेडिकेटेड है मेरी लाइफ के एक ऐसे किरदार पर जिसने बचपन से लेकर अब तक हर दुख सुख में मेरा साथ दिया, उनवान है, हाँ वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो वैसे तो बहुत बेइज्जती करते हैं उनकी और मौके बहुत कम मिलते जब उनकी तारीफ कर पाएँ, ऐसे ही कुछ मौके मिले हैं आज, मौका मिला मुझे आज, तो शुरू करूँगा कि कुछ लफ्ज़ों में उसे बयां कर सकूँ ऐसा उसका किरदार नहीं, कुछ लफ्ज़ों में उसे बयां कर सकूँ ऐसा उसका किरदार नहीं, पर कागज़ कोरा ही रहने दे ऐसी मेरी कलम की बिसात नहीं। उसके बारे में लिख कर ही लिखना सीखा है, उसके बारे में लिख कर ही लिखना सीखा है, पर अफसोस वो मेरे कुछ अल्फाजों की मोहताज नहीं, वो मेरे कुछ अल्फाजों की मोहताज नहीं। हाय वो झल्लापन, वो कैप पहन कर स्कूल जाना, क्लास बंक करने का हर रोज़ नया बहाना, वो कैप पहन कर स्कूल जाना, क्लास बंक करने का हर रोज़ नया बहाना, खुद की तारीफ पर ज़रा सा शर्माना, अपनी अदाओं पर ज़रा सा इतराना, और स्कूल के लगभग हर एक कॉरिडोर को अपने झल्लेपन का गवाह बनाना, कुछ 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 कहते कहते चुप हो जाना, और कभी चुप होते होते कुछ ज़्यादा ही बोल जाना, कुछ ज़्यादा ही बोल जाना। उसी से सीखा है मैंने सादगी से अपने सबको कायल बनाना, बिना किसी स्वार्थ के रिश्ते निभाना, और बहुत अच्छा लगता है मुझे उसका बेवक्त मुस्कुराना, उसका बेवजह घबराना, और मुझ पर हमेशा अपना हक जताना, और जहाँ प्यार है भाई वहाँ नोक झोंक तो होगी, तो एक ऐसा मसला है जिस पर नोक झोंक होती है कि चाय कुछ खास पसंद नहीं उसे कॉफ़ी की ये दीवानी है, चाय कुछ खास पसंद नहीं उसे कॉफ़ी की ये दीवानी है, बस एक यही बात है उसकी जो मुझे रास नहीं आती है, बस एक यही बात है उसकी जो मुझे रास नहीं आती है। अब आजकल चाय किसे पसंद नहीं होती है, मतलब मेरी जगह कोई और होता ना तो अब तक उसे डिसोन कर दिया होता उसने तो और आगे है कि पन्ने पलट के देखता हूँ जब उसकी ज़िंदगी के तो उस वक्त मैं हूँ ना कि संजू जैसी ही थी वो, आप सभी ने देखी होगी मूवी, उस वक्त मैं हूँ ना कि संजू जैसी ही थी वो, ना बीते हुए कल का अफसोस, ना आने वाले कल की फिक्र, ना बीते हुए कल का अफसोस, ना आने वाले कल की फिक्र, बस उसी लम्हे को जीना, हाँ मैंने उसी से सीखा था। किसे पता था कि उस झल्ली पागल सी लड़की के अंदर एक नादान परेशान उलझी हुई लड़की भी है, हाँ देखी है मैंने उसके आंखों के अंदर की दुनिया,
जो इस बाहरी दुनिया के सितम बड़ी बेखौफ होकर सहती है, जो जो अपने लबों से नहीं बल्कि आंखों से सब कुछ बयां करती है, जो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जीती है, जो जो अपनी हर एक गलती से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखती है, जो अपनी बेचैनियों को अक्सर आराम देती है ये कहकर कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसे कुछ बड़ा करना है। हाँ 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 हाँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो मेरे हालातों को मेरे बिना कुछ बोले ही समझती है। पर हालात भी क्या मजबूर करेंगे उसे, जो किस्मत से ज़्यादा खुद पर यकीन रखती है, खुद पर यकीन रखती है। अब लेखकों की खास बात यही होती है कि एक बार लिखना स्टार्ट कर दिए ना, तो मतलब उसके बारे में जब तक किताब नहीं भर जाती तो लिखते ही रहेंगे। तो इस पर इसको ख़त्म करने के लिए लिखा है कि मेरी कलम में अभी भी उत्साह है, मेरी कलम में अभी भी उत्साह है, अभी अभी शायद अधूरी इसकी दास्तां है, अभी शायद अधूरी उसकी दास्तां है, बहुत कुछ पाना अभी फ़िलहाल है, कुछ लफ्ज़ों में कैद नहीं कर सकते जिसको, कुछ लफ्ज़ों में कैद नहीं कर सकते जिसको, हाँ हाँ कुछ ऐसी है वो, हाँ कुछ ऐसी है वो। धन्यवाद।